ये ऐसा क्वेश्चन आ गया कि लगभग सारे ही क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड लगभग सारे ही न्यूमेरिकल इस एक क्वेश्चन में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक सर्किट गिवन है, ए बी इस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर है और ये पोटेंशियोमीटर वायर 2 मीटर 4 मीटर नहीं बल्कि कितना है 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर लंबा पोटेंशियोमीटर वायर कहा है। ठीक है, और इस पूरे ए बी का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी ये 10 ओम है और लेंथ ऑफ ए बी कितना है, लेंथ ऑफ ए बी 1 मीटर है और ये सब कुछ आपको यहां डाइग्राम, बाकी सब कुछ आपको यहां डायग्राम में गिवन है। आपको पहले तो फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ए बी के अलॉन्ग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है और फिर आपको वो फाइंड करना है बैलेंसिंग लेंथ, जिस बैलेंसिंग लेंथ पर आकर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए इस पूरे कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री सेल के लिए। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ कवर अप हो जाएंगे। आपको ड्राइवर बैटरी का ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट, करेक्ट। तो अब सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, 2 वोल्ट ड्राइवर बैटरी है और 2 वोल्ट ड्राइवर बैटरी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, 15 ओम रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है। तो पहले हम ड्राइवर, केवल ड्राइवर सर्किट कंसीडर कर रहे हैं। ड्राइवर सर्किट में एक तो 15 ओम रेजिस्टेंस है और खुद इस ए बी का रेजिस्टेंस है कितना, 10 ओम। तो ड्राइवर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम प्लस 10 ओम 25 ओम बन गया। ठीक है, हटा देता हूं इसे। करंट इन ड्राइवर सर्किट, ड्राइवर सर्किट में कितना करंट होगा, I इज इक्वल्स टू EMF ऑफ ड्राइवर बैटरी डिवाइडेड बाय क्या, टोटल रेजिस्टेंस इन ड्राइवर सर्किट। EMF कितना है, 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 15 प्लस 10 है ना, तो 2/25 एम्पियर, यही छोड़ दीजिए क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये हुआ 2/25 एम्पियर हुआ क्या, करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, कहां से, ड्राइवर सेल का करंट। तो फिर हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होता है याद कीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ ए बी अपॉन द लेंथ ऑफ ए बी, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा, करंट इन ए बी मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी। अब करंट कितना है इसमें, ए बी में करंट कितना चल रहा है, ए बी में करंट चल रहा है 2/25, रेजिस्टेंस सिर्फ ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, होल डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ है ए बी की, 1 मीटर, करेक्ट। कितना बन जाएगा देखिए, कितना आंसर आएगा, कितना, 2/8, 0.8 वोल्ट पर मीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, 0.8 वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। और मुझे लगता है इससे आगे क्वेश्चन गलत है क्योंकि नल पॉइंट आएगा ही नहीं, चलो देखते हैं। ये तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 0.8 वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। अब देखते हैं हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट। यहां देखिए आप कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट में
अब आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल के साथ एक पूरा नया सर्किट बना दिया गया और गैल्वेनोमीटर में जब करंट जीरो है तब भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल से कहीं ना कहीं तो करंट का फ्लो हो रहा है। कहां फ्लो हो रहा है करंट का? करंट का फ्लो हो रहा है 1.2 ओम और 0.3 ओम वाले सर्किट में। इस सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन किया हुआ है। किसने मेंटेन किया हुआ? आपके कॉम्प्लीमेंट्री सेल ने किया हुआ है, करेक्ट। अब एक बात और देखिएगा ध्यान से कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल का जो पॉजिटिव सिरा है इसे आपने सीधे सीधे ए से कनेक्ट नहीं किया हुआ। कॉम्प्लीमेंट्री सेल के पॉजिटिव एंड को सीधे सीधे आपने ए से कनेक्ट नहीं किया हुआ, बीच में 1.2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो कुछ भी मेजर करने वाले हैं वो इस सेल का ईएमएफ तो नहीं हो सकता। ईएमएफ कब मेजर हो सकता है? जब हमारा नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंस डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ हो ए से और नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हो, बाकी कुछ भी होता रहे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां आप बैलेंस जो कर रहे हैं इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए, आपका 0.3 ओम जुड़ा हुआ है सीधे सीधे कहां? ए पर। 0.3 ओम का दूसरा सिरा कहां जुड़ा हुआ है सीधे सीधे? गैल्वेनोमीटर पर। तो जो भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, पोटेंशियल फॉल अलोंग द बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.3 वोल्ट। समझ आ गई इतनी बात? नहीं आई बात समझिए। जब हम सेल का ईएमएफ नापते हैं, सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं या सेल के ईएमएफ पर काम कर रहे हैं तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल सीधे सीधे आपको जोड़ना होता है, यहां ए पर जोड़ना होता है। इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली सेल का ईएमएफ या सेल का टर्मिनल वोल्टेज से मतलब नहीं है। ये किसके मतलब है? ये सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। चलिए, आपकी सिंपलिसिटी के लिए मैं इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं एक डिफरेंट वे में, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब हमें सेल से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है 0.3 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस से, जो भी 0.3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपका बनता है। सेल, मैं पूरा सर्किट फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, लेंथ इसकी 1 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये ड्राइवर बैटरी। ड्राइवर बैटरी इसके साथ 15 ओम, और ये आपका ड्राइवर सर्किट कंप्लीट हो गया। ड्राइवर सर्किट से करंट चल रही है इस पोटेंशियोमीटर वायर में, और करंट कितनी फाइंड की है? 2/25 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात? 2/25 एम्पियर ये करंट है। अब देखिए, नीचे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 0.3 ओम और उसके बाद है 1.2 ओम और फिर है एक सेल जिसका ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट। अब देखिए ध्यान से, इस 0.3 ओम का एक सिरा सीधा सीधा ए पर जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना ए पर। इस 0.3 ओम का एक सिरा सीधा ए पर जुड़ा हुआ है, और ध्यान से देखिए इसके दूसरे सिरे पर गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। देखिए ध्यान से आपके सर्किट में, बस मैंने सिंपली क्या करा है, 0.3 ओम को मैंने इसके साथ में जोड़ दिया साथ, तो 0.3 ओम का
एक सिरा सीधा कहाँ जुड़ा हुआ है, ए पर, और 0.3 ओम का दूसरा सिरा सीधे सीधे कहाँ जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर पर जुड़ा हुआ है। तो अब एक्चुअली जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी इट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम। जो भी बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल फॉल आएगा, पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम रेजिस्टेंस, करेक्ट। अब नीचे वाले सर्किट से हम ये फाइंड करते हैं कि 0.3 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। करंट हमने फाइंड कर ली और के भी फाइंड कर लिया, के कितना फाइंड हो गया था अभी, के आपका फाइंड हो गया 0.8 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब हम इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल के लिए लेते हैं, सेल का ईएमएफ कितना है कॉम्प्लीमेंट्री सेल का, 1.5 वोल्ट, और इसके सेल के सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 1.2 और 0.3, कितना आ रहा है, 1.5 ओम आ रहा है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल के सर्किट में देखिए, कंसिडर कंसिडर क्या सर्किट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल, तो आई डैश मैं इसको लिखता हूं, आई डैश कितनी, आई डैश इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो कितना ईएमएफ लगा हुआ है, 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बोलिए, 0.3 और 1.2, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया, कितना आया, 1 एम्पियर आया। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.3 ओम रेजिस्टेंस, इसको मैं वी डैश लिख रहा हूं, वी डैश इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी डैश कितना होगा बोलिए, कितनी करंट है 0.3 ओम में, आई डैश कितनी है, 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस इसका कितना है, 0.3 ओम। तो वी डैश आपका 0.3 वोल्ट निकल कर आया। इस 0.3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है, 0.3 वोल्ट है। और अब जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है, ये बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 0.3 ओम रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिखते हैं, हमने अब लिखना है क्या, पोटेंशियल फॉल अलोंग बैलेंसिंग लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 0.3 ओम रेजिस्टेंस। कितना है 0.3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, 0.3 है, और पोटेंशियल फॉल कितना होता है, के इंटू एल, के आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, एल इज इक्वल टू 0.3 बाय के, 0.3 बाय 0.8, कितना आंसर आएगा इसका, 0.375 मीटर, यानी के 37.5 सेंटीमीटर पर आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। अगर देखिए ध्यान से फिर समझ लीजिए, इस सर्किट में अगर ये पॉजिटिव सिरा जुड़ा होता यहाँ ए पर और नेगेटिव सिरा जुड़ा होता गैल्वेनोमीटर पर, तब बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल फॉल होता टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल के इक्वल। याद कीजिए, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की है कि पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियोमीटर एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द टर्मिनल ऑफ सेल हो जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज कह देते हैं, और नल पॉइंट पर करंट ड्रॉ नहीं होती तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो जाता है, या फिर पोटेंशियोमीटर को हम यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए अलोंग सम अदर कंपोनेंट ऑफ सर्किट, जैसे कि रेजिस्टेंस।
तो यहाँ इस केस में पोटेंशियोमीटर यूज किया गया है। किसके लिए किया गया पोटेंशियोमीटर यूज? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। किसका? 0.3 ओम का, सर्किट के कंपोनेंट का पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखिए कि ए पॉइंट और गैल्वेनोमीटर के बीच में जो कुछ भी जुड़ा हुआ है बस उसका पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, चाहे वो सेल है या वो कोई रेजिस्टेंस है। समझ रहे? इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल मैंने रीड्रॉ किया उसको। ध्यान से देखिए, 0.3 ओम जुड़ा हुआ सीधे ए से, 0.3 ओम जुड़ा हुआ सीधे सीधे गैल्वेनोमीटर से। मैंने उसको सिंप्लीफाइड कर दिया, 0.3 ओम जुड़ा हुआ सीधे सीधे ए से, 0.3 ओम जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है बात इतनी? ओके, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम और पूरा कर लीजिए क्वेश्चन।